हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो आसानी आपको मिल सके। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगर कोई नक्श की ज़रूरत हो या कोई बात आपने अपनी बहन से करनी हो तो ज़रूर आप रब्ता कर सकते हैं। दूसरा, आज जो मैं आपको वजीफ़ा और अमल बताने लगी हूँ, ये एक मेरी बहन है और वो बहुत परेशान है। उनके कहने पर मैं ये वीडियो लाइव कर रही हूँ, लेकिन इस वजीफ़े का मकसद ये नहीं है कि आप इसका गलत इस्तेमाल करें, लेकिन इसको अगर कोई ऐसा मसला है जो मैं आपको बताने लगी हूँ तो तब ये वजीफ़ा आप कर सकते हैं, अमल कर सकते हैं। लफ्ज़ हैं सुम्मुन, बुकमुन, उम्युन। लफ्ज़ हैं कुरान पाक के पहले बारे के लफ्ज़ हैं सुम्मुन, बुकमुन, उम्युन। फ़र्ज़ करें कि अगर कोई आपसे बहुत ज़्यादा बदमज़गी करता है, बहुत ज़्यादा आपको जो है बुरा भला कहता है, लड़ता है, झगड़ता है, यहाँ तक कि जो कत्लो गारत तक की बात आ जाती है, तौबा नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह पाक माफ़ करे, और इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो जाता है फैमिलीज़ में, ससुराल में, मियाँ बीवी के मसले में, किसी भी किस्म के जो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा, गुस्से के तेज़ होते हैं लोग तो हर वक्त ही लड़ते रहते हैं, गुस्सा करते रहते हैं। अगर मियाँ बीवी में ये मसला है तो 141 मरतबा सुम्मुन बुकमुन उम्युन सिर्फ़ 3 दिन पढ़े, और आखिर में जब 41 मरतबा पढ़ ले, 141 मरतबा पढ़ने के बाद जो है आपने दुआ क्या करनी है। जब दुआ जो मैं आप बताने लगी हूँ गौर से सुन लें, आपने बोलना क्या है। फसाद, लड़ाई झगड़ा, तोहमत, ठीक है, ये 3 से 4 चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। फसाद, लड़ाई झगड़ा और तोहमत, ठीक है, इसकी करते हैं ज़ुबान बंदी, ठीक है। किसकी ज़ुबान बंदी कर रहे हैं देखें, पहले आपने बोलना है लड़ाई झगड़ा फसाद तोहमत, उसका नाम और उसकी वालदा का नाम। अगर वालदा का नाम नहीं भी पता तो सिर्फ़ उसका नाम आपने साथ में आखिर में बोलना है जिसके लिए आप ये अमल कर रहे हैं। बस कोई वालदा के नाम की ज़रूरत नहीं है। और देखिएगा 3 दिन के बाद उसका क्या हाल होता, उसकी ज़ुबान बंदी भी होगी, माफ़ी भी मांगेगा और आपसे मोहब्बत भी करेगा। मोहब्बत कुरान पाक के लफ्ज़ों की वजह से सख्ती लफ्ज़ों में बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसके दिल को हर्ट करने के लिए कि अल्लाह पाक ने बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। अल्लाह पाक ने फरमाया कि अंधे गूंगे बहरे नहीं हैं ये वापस पलटने वाले ईमान लाने वाले, ठीक है। तो ये आयत बहुत ज़्यादा ताकत रखती है। अगर इसका आप अंदाज़ा करें तो ये मैं कहती हूँ कि जिस कोई ऐसा मसला हो, छोटे से छोटा मसला हो, बड़े से बड़ा मसला, छोटे मसलों से तो बड़े मसले बनते हैं, तो अगर इस तरह का मसला है तो सुम्मुन बुकमुन उम्युन। अगर फ़र्ज़ करें कि कोई आपके घर कोई मेहमान आता है, कोई जैसा कि आजकल बच्चों के जो रिश्ते वगैरह नहीं होते, बच्चियों के रिश्ते नहीं होते, तो सोचें आपने रिश्ता कहीं करना, उनके देखने के लिए आगे लोग आ गए, तो आपने सुम्मुन बुकमुन उम्युन पढ़ते रहना है। जो आप कहेंगे वो आपकी बात मानेंगे, कोई और कोई किसी की बात मान ही नहीं सकता। नंबर 2, सुम्मुन बुकमुन उम्युन पढ़ते पढ़ते अगर आप किसी के अगर बैक खड़े होकर तो आप फूंक मार दें या सामने चेहरे की तरफ से फूंक मार दें, तसव्वुर में लाकर फूंक मार दें, यकीन माने उसकी ऐसी ज़ुबान बंदी होगी कि कभी भी वो आपके आगे बोल नहीं सकेगा, सर नहीं उठा सकेगा, हमेशा सर को खम रखेगा। अगर फ़र्ज़ करें आपकी कोई इज़्ज़त नहीं करता, कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, कोई आपसे प्यार नहीं करता, मोहब्बत नहीं करता, तो उसके लिए सुम्मुन बुकमुन सिर्फ़ 7 मरतबा ही काफ़ी है। इस आयत मुबारक के मौक़िल बहुत सख्त हैं और इनके जो ताकत है वो बहुत बुलंद है। फ़र्ज़ करें किसी ने आपको तकलीफ़ दी, कोई आपको छोड़ के चला गया और आप चाहते हो कि वो वापस आए, मुझसे लड़े झगड़े ना और वो वापस भी आ जाए, तो सिर्फ़ 1 दिन का ये अमल है कि आप 1000 मरतबा सुम्मुन बुकमुन उम्युन, ना कोई दुरूद शरीफ पढ़ना है, ना ही आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है, सिर्फ सुम्मुन बुकमुन उम्युन ही पढ़ना है। और जब आप 1000 के बाद उसका जिस तरह मैंने आपको बताया है कि नाम ले, तोहमा जैसे कि कोई तोहमत लगाता है, तोहमात लगती हैं, उससे भी वो परहेज़ करेगा, लड़ाई झगड़े से, फसाद से परहेज़ करेगा, कत्लो गारत से जो मसले हो जाते हैं इतने बड़े बड़े, लोग इसलिए तो अल्लाह के कलाम से ताकत ही नहीं हासिल करते। अल्लाह पाक ने इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें आप लोगों को बताई लेकिन आप लोगों को उसकी समझ ही नहीं आती। तो ये चीज़ें आप एक दफ़ा करके देखें। जो ज़ुबान बंदी के लिए तो ये बहुत नायाब है, ये और कामों के लिए भी। अगर फ़र्ज़ करें कि कोई अपने किसी जगह पर इंटरव्यू देने जाता है, कोई भाई कारोबार के लिए जाता है, तब भी वो ये अमल करे, सुमुन बुकमुन उम्युन पढ़ता पढ़ता चला जाए। 3 मरतबा पड़ेगा और उसको दम कर देगा, या गैब में लाके उसका चेहरा देख के उसी वक्त चेहरा देखें, उसी वक्त आप गैब में दम कर दें, वो उसी वक्त खामोश हो जाएगा, उसकी ज़ुबान बंदी हो जाएगी। फ़र्ज़ करें कि जो आजकल ज़्यादा मसला है कि आपसी मोहब्बतें बहुत कम हो गई, बहुत ज़्यादा जो है मोहब्बतों की कमी है, तो इसलिए अक्सर दफ़ा आपको मैं मोहब्बत के चाहत के इसलिए ज़्यादा वज़ाइफ बताती हूँ कि दुनिया में अगर ये चीज़ें ज़्यादा होंगी, मोहब्बत चाहत के वज़ाइफ लोग ज़्यादा करेंगे, तो आपसी झगड़े ख़त्म होंगे, कारोबार में भी, रिस्क में भी बुलंदी होगी, और अल्लाह पाक बहुत सारा रिस्क अता फरमाएंगे, परेशानियाँ घर में ख़त्म हो जाएंगी। नंबर 3, सबसे ज़्यादा जब जैसा कि कोई बहुत दूर है लेकिन वो जब भी फ़ोन करता है आपसे इसी तरह की टॉक करता है बातें, 3 मरतबा, सिर्फ 3 मरतबा सुमन बुकमन पढ़ें, तसव्वुर में ला के या फ़ोन के ऊपर ही दम कर दें, फिर देखें आप कैसे वो खामोश होता है। अगर कोई बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ़ पहुँचाता है, बड़ा है कोई आपको बहुत ज़्यादा तंग करता है, बच्चा है बहुत ज़्यादा तंग करता है, छोटा, तब भी आप अल्लाह के कलाम से ताकत लें कि उसकी ज़ुबान बंदी करें, ठीक है। जब तक आप नहीं चाहेंगे वो उसकी ज़ुबान बंदी ख़त्म नहीं होगी। अब ज़ुबान बंदी किसी की कर लो तो उसको ख़त्म कैसे किया जाता है, सबसे बड़ी बात ये। अच्छा, ज़ुबान बंदी ख़त्म करने का तो मैं कहती हूँ कोई फ़ायदा ही नहीं है, लेकिन अगर ज़्यादा ही कोई आपके आगे निछावर होता है, बिछता चला जाता है, तो फिर बेहतर यही है कि ये चीज़ को अल्लाह ताला से दुआ करें, ठीक है। जब भी कोई नमाज़ पढ़े, कोई सी भी एक नमाज़ पढ़ रहा हो आप, फजर पढ़ें, ज़ोहर पढ़ें, असर, मगरिब, इशा, तो किसी भी वक्त आप अल्लाह से कहें कि जो मैंने ज़ुबान बंदी के लिए जो मुझे तकलीफ़ पहुँचाता था अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो गया, तो आप उसको माफ़ कर दें। और आप अल्लाह के कलाम में जो ताकत है वो मैंने देखी है अल्हम्दुलिल्लाह, तो मुझे जिसके लिए मैंने ये काम किया था मुझे भी माफ़ कर दें और उसको भी ठीक कर दें, अल्हम्दुलिल्लाह। देख लीजिए आप, इतनी मोहब्बत बढ़ेगी अल्लाह के कलाम से, और फिर आप जो ज़ुबान बंदी है वो भी जो अच्छी खासी लगेगी। इसी के साथ अपनी इस बहन को इजाज़त दें, मेरी ये प्यारी सी बहन है, परेशान है, तो मेरी प्यारी बहन आप ये वजीफ़ा करें, ये अमल करें, इंशाअल्लाह आप देखिएगा इसके फ़ज़ाइल और इसकी रहमतें, तो आपको ख़ुद पता लग जाएगी। कोई भी आपके आगे सर उठा नहीं सकेगा, कोई भी आपके आगे बोल नहीं सकेगा, सिर्फ देख के बस 3 दफ़ा आप दम करें, इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म सब ठीक हो जाएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह